हेलो एवरीवन, फिर से एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित काइज, मैं आज आपको रिवाइंडिंग करके दिखाने वाला हूँ एक जेक हैमर की फील्ड कॉइल, यानी कि कैमरॉन प्रो कंपनी का जेक हैमर है। इसका मॉडल नंबर है CPDS20। गाइज, इसकी फील्ड कॉइल जो है वो ख़राब हो चुकी है, यानी कि बॉडी से अर्थ हो चुकी है। अब उसको मैं रिवाइंडिंग करके दिखाने वाला हूँ, बहुत ही कम खर्च में रिवाइंडिंग हो जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर मैं मशीन को जो है ओपन कर लेता हूँ और इसमें से फील्ड को निकालेंगे और इसका आर्मेचर भी निकालेंगे, यहाँ तक कि मैं आपको इसकी जो ओपन है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि किस टाइप से आपको ये ओपन करनी होती है। और क्लोज का वीडियो मेरे पास नहीं है गाइस, शूटिंग हुआ हुआ तो मैं इसको आपको क्लोज करके नहीं दिखा पाऊँगा। तो फील्ड कॉइल को पूरा रिवाइंडिंग करेंगे, वो कम्प्लीट मैं आपको दिखाऊँगा किस टाइप से रिवाइंडिंग करनी होती है। तो यहाँ पर मैं इसको धीरे धीरे से ओपन कर लेता हूँ। कुछ स्क्रू मैंने इसके खोल दिए हैं और यहाँ पर इसका जो ऑन ऑफ वाला स्विच है उसको मैंने हटा दिया है। अब गाइस, यहाँ पर इसका जो है आपको बैक में ही आपको पैनल मिल जाता है, इसमें चार लंबे वाले रोड पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर ये चारों ही खोलने होंगे और इस टाइप से ये कैप हट जाएगा, प्लास्टिक का कैप है। और ये कंप्लीट मोटर यहाँ पर पड़ी है इसमें, तो गाइस ये फिक्स है यहाँ पर और इसको जो है पेचकस डाल करके इस टाइप से ऊपर को निकाल लेंगे। तो गाइस, ये बेयरिंग वाला हिस्सा आर्मेचर का ये बाहर है, बेयरिंग इसका हब के अंदर फंसा हुआ है यहाँ पर, इसमें लोग लगा हुआ होता है तो बेयरिंग इस टाइप से फंसा हुआ होता है। तो कार्बन निकाल लेते हैं इसे गाइज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कार्बन एक जो मैंने निकाल दी है, अब इसी दूसरा कार्बन निकाल देते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर इसके कार्बन निकालने के बाद आप कार्बन के होल्डर को ही निकाल देंगे यहाँ से। और कार्बन का होल्डर गाइज़ इसलिए निकाला जाता है क्योंकि ये फील्ड वाली जो वायर इसके अंदर बंधी हुई है, अगर जो हम आर्मेचर निकालते हैं इस टाइप से या तो ये जो है होल्डर जो है, मतलब ये तो वायर जो है होल्डर के साथ है, ये वाइट वाला जो पोर्शन है जिसमें होल्डर लगा हुआ है ये आर्मेचर के साथ होता है, तो ये वायर टूट जाती है। तो आपको इस टाइप से ये वायर निकालनी होती है। यहाँ हमारा आर्मेचर की कंडीशन देख सकते हैं, ये ख़राब है, यानी कि जो फील्ड अर्थ होकर चली है ना, तो इसलिए आर्मेचर ख़राब हो चुका है। तो ये मुझे ओपन करना ही है, तो मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ किस टाइप से आर्मेचर ओपन करना होता है। तो यहाँ पर इसका पहला फ़ैन निकाल लेते हैं। फ़ैन हटाने के बाद में गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर एक प्लेट लगी हुई है, इस प्लेट में दो स्क्रू हैं ठीक आमने सामने। अब फिर दोनों स्क्रू को खोल दें और ये प्लेट आपकी हट जाएगी यहाँ से। और हटने के बाद में अब सिंपल सा इसका प्रोसेस ये है कि ये बेयरिंग हम निकालेंगे इसको, तो ये आसानी से नहीं निकल पाएगा, इसमें पुलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पुलर मेरे पास है, मैं इस टाइप का पुलर इसमें लगा रहा हूँ। ये आप इस टाइप का पुलर कोई भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो गाइस, यहाँ पर ये पुलर से जब हम इस पर सापट को प्रेस करेंगे तो ये जो है ना आसानी से निकल जाएगा। इसका मेन जो निकालने का तरीका है वो यही है। तो ये पोर्शन अलग हो चुका है और आर्मेचर आपको इस टाइप से मिलेगा, इसके साथ फ़ैन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। सापट आप देख सकते हैं कि फ़ैन की सापट जो है वो अलग है बाहर। तो गाइस, अब इसकी जो है फील्ड है, इस फील्ड को हमें रिफाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं इसकी फील्ड बाहर निकाल लेता हूँ। तो इसमें दो स्क्रू दिए गए थे, वो मैंने ओपन कर दिए। तो गाइज़, इस टाइप से आप इसको दो चार बार पटकेंगे तो ये निकल जाएगी बाहर। अब ये निकल चुकी है। तो गाइज़, अब इस फील्ड की आप कंडीशन देख सकते हैं यहाँ पर कि फील्ड जो है ना अर्थ हो चुकी थी बॉडी से, तो इसने आर्मेचर को ख़राब कर दिया और इसमें पानी भी गया हुआ है, यानी कि जो मशीन है वो भीग चुकी थी पहले, इसलिए ख़राब हुई है। तो गाइज़, इसमें एक एक तार इस टाइप से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर इस टाइप से आपको ये निकालना होगा। आप वैसे भी कट करके निकाल सकते हैं, बट इसकी जो बॉबिन है ना वो बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी है, तो मैं इसलिए ऐसे इसकी वायर निकालनी पड़ेगी हमें एक एक करके, क्योंकि बॉबिन जो है वो इतनी ज़्यादा हीट है कि हम इसकी जब वायर काटेंगे ना गाइस, तो ये जो है ना बॉबिन टूट जाएगी। बॉबिन दूसरी मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम इसको रिवाइंडिंग कर रहे हैं गाइस, न्यू नहीं बना रहे, तो इसलिए हमें बॉबिन नहीं मिल पाएगी। आप देख सकते हैं तार की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये पूरी लच्छी मैंने इसकी उतार दी है। अभी एक फिल निकली है, दूसरी भी ऐसे ही निकालेंगे, तो उसमें भी हमें एक एक वायर घुमानी होगी इस टाइप से जैसे पहली वाली में घुमा करके निकाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस दूसरी वाले को जो हमने निकाला है कॉयल को, इसमें बहुत ज़्यादा तार जो है कटे हुए निकले, बीच में पंचर मारी थी इसलिए कटा हुआ। अब ये पेपर इस टाइप से इसमें लगाना है, आपको वायर गेज ले लेना है 19.5 नंबर कॉपर, और इस टाइप से आपको यहाँ पर ये रिंग डाल देना है, और इस टाइप से आप जो है इसमें जैसे हमने उधेड़ा था सेम वैसे ही एक एक तार इसमें हमें निकाल करके डालना होगा। प्रोसेस बिल्कुल सेम है उधेड़ने का भी और निकालने का भी। तो गाइज़, इसमें आपको इस टाइप से बस, हाँ ध्यान ये रखना है कि तार को हर एक वायर को, मतलब जितने भी टर्न आपको डालना है उसे टाइट करना है फुल, क्योंकि टाइट अगर जो नहीं किया तो इसमें जो है हमें 89 टर्न डालने हैं तो वो पूरे कम्प्लीट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 89 भी जो है ना इसमें बहुत ही ज़्यादा, मतलब ठोकने के बाद में इसको दबा करके अच्छे से तब जा करके पूरा कंप्लीट हो पा रहे हैं, और डेली हो गए तो फिर तो जाहिर है कि हो नहीं पाएंगे
टर्न इसके अंदर पूरे कंप्लीट। तो गाइस यहाँ पर आप इसको धीरे धीरे इस टाइप से बुनें और बाइंडिंग करते रहें तो ये कंप्लीट हो जाएगा और इसमें 80 टर्न हमें करने हैं कंप्लीट। तो मैं धीरे धीरे करके इसमें टर्न डाल लेता हूँ, स्पीड पे थोड़ा दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर इस टाइप से नहीं दिखाऊँ तो। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें लगभग 30 टर्न मैंने इसमें डाले हैं और अभी 30 टर्न डालने के बाद मैंने हाथ रोक दिया है और फील्ड को इसमें आप बांस की फट्टी डाल के या पेंचकस वगैरह से इसको दबाते रहें। तो यहाँ पर अब पूरे 89 टर्न मैंने इसमें कर दिए हैं कम्प्लीट। अभी 89 टर्न होने के बाद में ऐसे है हमारा एक फील्ड का एक हिस्सा कम्प्लीट हो चुका है, ऐसे ही अब दूसरा करेंगे। तो यहाँ पर ये बोबिन जो आप देख सकते हैं कि बोबिन मैंने लगा दी है और यहाँ पर ये दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें होल्डर और जो इसकी इनर वायर है वो होल्डर में जाएगी और जो आउटर वायर है वो लाइन में जाएगी। तो आपको कनेक्शन में ये ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है वायर है ये इनर वायर है और उधर वो दूसरी इनर वायर हमने छोटी वाली ले ली। तो इस टाइप से आपको वायर निकाल करके इसमें ये यहाँ से जॉइंट करके वायर का जो जॉइंट है वो बीच में पहुँच जाएगा फील्ड के। आपको इस हिसाब से इसमें रखना है कि वायर का जो जॉइंट है वो बीच में जाए और वायर हमारी फ्री रहे। तो इसमें मैंने इस टाइप से ये डाला पाइप और ये पाइप जो है गाइस वो जो मैंने इसमें पहले डाला है इस टाइप से आप ऐंठ लें इसको, ऐंठने के बाद में ये चढ़ा दें इसके ऊपर से। ये आपको ये थिम्बल है उसका, इसको पंच करने के लिए जो प्लास्टिक है वो मैं बाद में काट दूँगा, पहले इसको पंच मशीन से पंच कर लेते हैं। और पंच होने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको मैंने कट कर दिया। पंच इसलिए किया गया है इसमें सोल्डरिंग नहीं कर सकते क्योंकि जब ये हीट होकर चलती है ना तो सोल्डरिंग जो है वो पिघल जाती है, तो इसमें पंच की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर डबल स्लिप इसमें चढ़ा करके इसको एकदम कम्प्लीट इस टाइप से कर लेंगे ताकि ये जो है ना मतलब जॉइंट जो है वो बाहर मतलब करंट ना फैले उसका। अब आप देख सकते हैं इस टाइप से यहाँ पर इसको मैं टाइट कर देता हूँ। इसमें स्टिप का ऑप्शन दिया गया है गाइस, तो यहाँ पर स्टिप इसमें डाली जाएगी और डालने के बाद में यहाँ पर इस वायर के साथ में इसको टाइट कर दिया जाएगा। बस ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस इसके साथ में है जो आपको करना है। तो इस टाइप से आप बाकी के जो तीन वायर हैं वो भी निकाल दें, जैसे कि एक होल्डर की और एक लाइन वाली वायर हो जाएगी, ऐसे ही एक होल्डर की और एक लाइन वाली वायर। तो आमने सामने होल्डर की आ चुकी है आपकी और आमने सामने लाइन वाली आ चुकी है। तो सिंपल सा बहुत बहुत सिंपल फंडा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी हमें सेफ्टी देने के लिए इसको यहाँ पर कॉटन वाला टेप बांध देते हैं ताकि ये थोड़ा सा मजबूत हो जाए और फिर उसके ऊपर वार्निश जब कर देंगे तो ये बिल्कुल प्रॉपर ऐसे फिट हो जाएगी एकदम कि जैसे पत्थर के माफी हो। तो अभी इसको फिटिंग करने से पहले वार्निश डालेंगे और उसके बाद में फिटिंग कर देंगे। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।